हाजरीन, वो बात जो बज़ाहिर सबको नामुमकिन नज़र आती है, एक फ़र्द वाहिद आने वाहिद में साबित कर देता है। कामयाबी जितनी बड़ी हो, इसके पीछे मेहनत भी इतनी ही ज़्यादा होती है। 2012 में नोआ के एक स्टूडेंट मोहम्मद नवीद ने चौथी पोजीशन हासिल की थी। आज 9 साल बाद वही मकाम नोआ के एक और स्टूडेंट को हासिल हुआ। सैफुल इस्लाम की कामयाबी में एक अहम किरदार इंटरव्यू का है, जिसमें उन्होंने 240 नंबर हासिल किए और शायद ये नंबर CSS 2021 में सबसे ज़्यादा है। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ CSS 2021 में चौथी पोजीशन हासिल करने वाले नोआ स्टार सैफुल इस्लाम को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर तालियों में सैफुल इस्लाम। रबी शराहली सदरी वैसेरली अमरी वाहल अकतमसानी यफ़ कौली। जब भी ऐसे मौके आते हैं तो मेरी वालदा हैं, वो कहते हैं कि तुम अंग्रेज़ी में बात करते हो तो मुझे समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज अपने आप को उर्दू तक महदूद रखूँ। खुशी का हाल तो यह है कि पिछले कुछ दिनों से जब से रिज़ल्ट आया है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, कभी कोई मैसेज आ जाता है, कभी कोई कॉल आ जाती है, और वैसे ही दिमाग में हलचल बहुत ज़्यादा चल रही है कि आगे क्या होगा। सोच रहा हूँ कि अगर अभी से ही नींदों का ये हाल है तो आगे सर्विस में जाएंगे तो क्या होगा। CSS की जो सफ़र है CSS का, ये पिछला कोई 2 साल से नहीं बल्कि इसकी तारीख मेरी ज़िंदगी में 10-12 साल पहले तक जाती है। मेरे मरहूम वाले साहब का ये ख्वाब था कि मैं एक दिन मुकाबले का इम्तहान दूँ और उसमें अपियर हूँ। अनफॉर्चुनेटली 2011 में उनका इंतकाल हुआ और उसी के 10 साल बाद मैं अपियर हुआ एग्ज़ाम के अंदर। मेरी कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी का, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ मदद की। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि मेजॉरिटी एफर्ट उनकी अपनी थी, मैं तो बस उन्हीं के एक्सटेंशन के तौर पर काम कर रहा था। नोआ के साथ मेरी वाबस्तगी इंटरव्यू सेशन में रही और उसमें कुछ किरदार हैं जिन्होंने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मैम फरा मैम ने साइकोलॉजिकल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया मुझे। सर अली ने भी एक किरदार अदा किया। सर फरीद से मेरी इंटरेक्शन फ़ेस टू फेस नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं उन्होंने मुझे लिटन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। सर शौकत दुरानी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एवेल्यूएशन दी। इनफैक्ट जब मेरा इंटरव्यू था मॉक, तो सर शौकत दुरानी ने मुझे 210 से 240 का ब्रैकेट दिया था और मैंने कोशिश की कि मैं उसी के टॉप ब्रैकेट में ही आ सकूं, तो 240 मेरा स्कोर है, तो सर ने पहले का ही प्रेडिक्ट कर लिया था। सर बंगश का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनक्रेज किया। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि मेरा जब डायग्नोस्टिक टेस्ट था तो सर फयाज सुमरो ने इनफैक्ट मेरा जब इंटरव्यू कम्प्लीट हुआ तो उन्होंने मुझे लिख के दे दिया कि आपकी पोजिशन आएगी। तो वो जो मेरे पास उन्होंने सफ़र था वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है और मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको मैं फ्रेम भी ज़रूर करूँ क्योंकि आपने प्रेडिक्ट कर लिया था। नोआ से ऑल दो मेरा अभी आहिस्ता आहिस्ता ही ताल्लुक़ शुरू हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि ये ताल्लुक़ आगे भी बरकरार रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आगे कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शुक्रिया। थैंक यू सैफुल इस्लाम।